लगातार सत्त मीटिंगां दा बेसिटां निकलना केंद्र सरकार दी किड्डी कोड्डी नाकामयाबी समझ बिल्कुल क्लियर है कि केंद्र सरकार ने सिद्धा कटन का कोई इरादा ही नहीं सी। जे कोई इरादा होंगे तो फिर 3 जून तो लगातार जब मैं मुद्दा चकती रही आही बेनती करती रही कि गलबात कर लो शंके दूर कर लो उस समय नहीं किया। तो 1.5 महीना लोगों ठंड च सड़क च बिठा के 70 मौतां करके अज भी किसी नतीजे च नहीं पहुंचे ने। ये साफ है कि उन्होंने इरादा नहीं सी जिदे करके पिछले मीटिंग चाहिए कि अदालत चे चले जाओ। कोई इलेक्टेड सरकार लोगों नूं कोई अदालत चे जाओ ये साफ क्लियर हैगा कि समय बर्बाद करन दा इन्हां दा इरादा है। ते लोगों की जिन्हां की जाना जा रही उन्होंने कख परवाह नहीं हैगी। रोक नहीं सकते उन्होंने उत्ते कानून थोपे जा रहे ने जिहड़ा उन्होंने बिने पुछे बनाए गए ने उहदा विरोध करना उन्होंने हक बनता है। इस हक नूं जदों अदा करदे तुसीं उन्होंने उत्ते पानी की बौछारा ते अथरू गैस सिटोंगे फिर तुसी लोकां नूं धक रहे हो कि तुसी एक शांतमई तरीके नहीं अशांति दी तरफ सरकार ते अपने पुलिस दे राही उन्हां नूं धक रही है। अज मैं आही बेनती करांगी कि इस सरकार दे जिहड़े इरादे ने उन्हां नूं कामयाब होण लोकी ना दे बहुत वधिया ते बहुत वड्डा संघर्ष लोकां ने कीता हैगा दुनिया भर च इहदी शलाघा हुई है। लेकिन हुण सरकार ने हर तरह के हथकंडे जिवें पहले अपनांदे रहे ने हुण इहनां ने कोशिश करनी है कि लोकां नूं इस संघर्ष को बदनाम करने वास्ते एहो जी हरकतां होण जिहदे नाल लोकां दी अखां च इह संघर्ष संघर्ष की बदनामी होए जिहदे करके मैं लोकां नूं बेनती करदी हाँ कि संघर्ष नूं शांतमई रखना जिहड़ा तुसीं तुहाडा इह अंदोलन रहा बहुत वधिया रहा तुसीं उहदे च डटे रहो। ते सरकार जब अपना इहो जिहे कामकाज करूगी बदनामी सरकार दी होगी। तो सरकार नूं एक बार फिर अपील करदी हां कल मैं अपने इलाके दे 3 परिवारां दे कोल होके आई 70 बंदे जिन्हां दी मौत होई है एक किसे दा पुत किसे दा प्यो किसे दा भरा ते बुजुर्ग मातावां किसे दी मावां हैगियां इकलौते इकलौते पुत 9-9 साल बाद अरदासा बेनतियां करके जिन्हों बच्चा होया अज 18 साल दा उह बच्चा उत्थों शहादत लै गया 23 साल का कला मुंडा परिवार से उसकी शहादत हो गई 45 साल का एक प्यो जिसकी वाइफ हैंडीकैप है 2 निक्के बच्चे ने कोई आमदन का सहारा क्यों आप इहोजे लोगों को मार रहे हैं। अपना फर्ज अदा करो कोई कानून वापस लैके उन्हें चंगा बना के लैके लोगों के कोल आए थोड़े उत्ते की प्रेशर है कि कौन थानू रोक रहा है इस करन तो मैं आस कर दिया कि सरकार दोबारा सोचे तो उम्मीद कर दिया अदालत इकलौता रास्ता हुण सरकार कह रही है अदालत कोल जाओ लोगों कह रही है मतलब वो टोटली फेल हो चुकी है अपने आप को इस मसले नु हल करने वास्ते नाकाम रह गई है कि फेल हो गई है कि इस तो वड्डा फेलियर की हो सकता है सरकार का। अदालत नु अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट नु अपील कर दिया कि प्रोटेस्ट करना तुसी आप क्या इन्हों का डेमोक्रेटिक राइट है ये इन्हों की जमीन की इन्हों की कमाई की इन्हों की रोटी की गल है। सुप्रीम कोर्ट नु बेनती करांगी कि लोगों की सुनो इसके बारे में मैं कुछ नहीं। 26 जनवरी का दिन देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है। इसकी बहुत भावनाएं देशवासियों की जुड़ी हुई है। इसको कोई हल्के पुलके तरीके से नहीं समझना चाहिए। हाँ किसानों की जो उनकी मंशा है उसके साथ बिल्कुल मैं सहमत हूँ लेकिन ना ही मुझे किसी ने इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सद्दा दिया है और ना ही मैं समझती हूँ कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन को ऐसा कुछ किया जाए क्योंकि इस चीज़ में उस तरफ वो जब बढ़ेंगे तो सरकार अपना काम करेगी। और मैं दोनों तरफों को ये अपील करती हूँ कि बहुत एक एक जान बहुत कीमती है
कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे एक भी जान का नुकसान हो। मेरी तो यही इंसाफ की उम्मीद करती हूँ और उम्मीद सारे यही रख रहे हैं कि जो लाखों लोग डेढ़ महीने से बैठे हैं, जो 70 लोगों की जाने चली गई हैं, आज सरकार उनकी नहीं सुन रही है, आज अदालत मजबूर करे, लेकिन उम्मीद ही रख सकती हूँ।